दोस्तों, पैन कार्ड की ज़रूरत हम सभी को होती है, क्योंकि इसके बिना हम लोग बहुत सारे काम कर नहीं सकते, जैसे कि बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, 50,000 के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करना, प्रॉपर्टी बाय और सेल करना, बिजनेस को रजिस्टर करना, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए इस पैन कार्ड को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे कामों में ये पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। इस पैन कार्ड को लेकर के हम लोगों को इधर उधर जाना भी पड़ता है, इसीलिए इस पैन कार्ड को खो जाने का डर लगा रहता है। अगर आपका पैन कार्ड खो जाए, नहीं तो आप नया कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन अभी तक आपको ये कार्ड नहीं मिला है, तो आपको चिंता करने का कोई बात नहीं, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई पैन डाउनलोड करने का फैसिलिटी चालू कर दिए गए हैं। इस ई पैन को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके अपना स्मार्टफोन के अंदर, नहीं तो अपना पीसी और लैपटॉप में भी रख सकते हैं, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हैं, तो आपको ना रहेगा खोने का डर और ना रहेगा बार बार नया बनाने का झंझट। नॉट ओनली दैट, यू कैन यूज़ दिस ई पैन एनी वेयर एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे ई पैन को डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I am right on my PC screen and click to open my Chrome browser. Chrome browser खुलते ही आपको सर्च पर लिखना होगा ePAN download। थोड़ा सा लिखते ही नीचे आया लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको दो लिंक्स देखने को मिलेगा। एक है NSDL का और एक है UTI ITSL का। इस दोनों कंपनी ही पैन कार्ड बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, वो है आप कौन कंपनी से नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, और अगर आपका पैन कार्ड है तो उस कार्ड के रियर साइड में आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैन कार्ड कौन सा कंपनी का है। जिस कंपनी का होगा आपको उसी कंपनी का लिंक पर यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर UTI ITSL का लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, वो है ये काम आप चाहो तो अपना मोबाइल से भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो हम थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसके लिए पहले आपको अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाना होगा और जाके क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन होते ही यू हैव टू क्लिक ऑन 3 dots एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मोबाइल स्क्रीन एंड टिक द चेक बॉक्स डेस्कटॉप साइट। इसको चेक करते ही ये पेज मोबाइल व्यूज के बदले डेस्कटॉप व्यू पर आपको दिखाई देगा। अभी सर्च पर लिखना होगा ई पैन डाउनलोड और नीचे आया लिंक के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही एक नया पेज आ जाएगा, ठीक डेस्कटॉप की तरह। वहाँ पर भी आपको दोनों लिंक्स को देखने को मिलेगा, जहाँ पर UTI ITSL लिंक के ऊपर क्लिक करते ही इसका ई पैन कार्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो आप मोबाइल स्क्रीन के पीछे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो। यानी दोनों व्यूज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पीसी ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि बड़ा स्क्रीन होने से आप लोगों को देखने और समझने में सुविधा होगी। तो चलिए वापस पीसी के स्क्रीन के ऊपर। इस पेज के ऊपर लिखा है फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ ई पैन कार्ड, जहां पर पहले आपको अपना पैन नंबर बैठाना है।
उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का खाली मंथ और ईयर यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद है GSTIN नंबर। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की ई पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तब जाके आपको यहाँ फिल करना है, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर द कैप्चा एज शोन हियर एंड क्लिक ऑन सबमिट। नीचे लिखा है मार्क फील्ड्स अन मैंडेटरी, यानी मार्क किए गए फील्ड्स को आपको यहाँ भरना ही पड़ेगा। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा होगा प्लीज वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर को देखने को मिलेगा जिसको आपको वेरीफाई करना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए कैप्चा को आपको एंटर करना होगा और कंफर्मेशन का चेक बॉक्स पर टिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देख पाओगे कि जो ओटीपी है वो सेंड कर दिए गए हैं आपका मोबाइल नंबर पर। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को एंटर करना होगा एंड क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पर क्लिक करते ही और एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको UTI ITSL यानी UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से दिए गए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को दिखाई देगा पूरा डिटेल्स के साथ, जैसे कि ई पैन एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, मोड ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ई पैन डाउनलोड। इसके नीचे लिखा है कि ई पैन लिंक को आपका मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं जहां से आप लिंक को क्लिक करके इस ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं अपना डिवाइस पर। और उसके नीचे लिखा है कि इस ई पैन को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड एंटर करना होगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और ये पासवर्ड आपका ही डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर पर UTI ITSL की तरफ से भेजे गए मैसेज दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा है योर पैन इज जनरेटेड सक्सेसफुली, यूज द लिंक टू डाउनलोड द सेम। यानी दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको ये ई पैन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक के ऊपर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देगा जिनमें से आपको क्रोम को चुन लेना है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो गया है जहां पर आपको पैन नंबर के साथ मोबाइल नंबर को दिखाई देगा और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर पर भेजे गए और एक नया ओटीपी को आपको एंटर करना होगा। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही एक्नॉलेजमेंट रिसीट वाला पेज फिर से यहाँ दिखाई देगा पूरा डिटेल्स के साथ और उसी के ठीक नीचे आपको दो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, एक है PDF फॉर्मेट में और दूसरा है XML फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। आप कोई भी फॉर्मेट को चुन सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ PDF फॉर्मेट को चुन रहा हूँ। उसके ऊपर क्लिक करते ही फाइल ओपन करने का कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा जिनमें से आपको PDF आइकन को चुन लेना है। क्लिक करते ही एक नया पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपकी पासवर्ड है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन। क्लिक करते ही ये देखिए मेरा डाउनलोड किए गए ई पैन ओपन होके दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके सेंड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है अगर आप इस फाइल किसी को भेजना चाहते हैं तो, जैसे कि मैं भेज रहा हूँ जीमेल के जरिए ताकि PC के ऊपर इस मेल को खुलकर आप लोगों को दिखाने में
सुविधा हो। वैसे तो जीमेल पर भी इस फाइल को भेजे जाते हैं, लेकिन मेरे को मोबाइल पर ही लिंक भेजे गए हैं क्योंकि यहाँ खाली मोबाइल नंबर ही दिए गए हैं। ये देखिए, मैं जिस जीमेल आईडी पर इसको थोड़े देर पहले सेंड किए थे उसको ओपन करते ही वो मेल दिखाई दे रहा है, जिसको मैं अभी ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। क्लिक करते ही ये पासवर्ड मांग रहा है, नाउ आई हैव टू एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन सबमिट टू ओपन इट। सबमिट करते ही ये देखिए ई पैन दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं और नहीं तो डाउनलोड करके पीसी या लैपटॉप में रख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस ई पैन फ्रॉम हियर। ये देखिए डाउनलोड हो गए हैं, अब हम इसको डाउनलोड फोल्डर में जाके ओपन करेंगे। ये रहा मेरा ई पैन फाइल जो अभी अभी डाउनलोड किए हैं। नाउ आई हैव टू डबल क्लिक टू ओपन इट। ये पासवर्ड मांग रहा है, सो आई हैव टू एंटर द पासवर्ड ओवर हियर टू ओपन इट। तो देखिए ये फाइल ओपन हो गया है। इसका नीचे वाला हिस्सा काट करके आप पीवीसी कार्ड में प्रिंट करा सकते हैं और नहीं तो प्रिंट के बाद लैमिनेट करा के एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो ये था ई पैन ऑनलाइन डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। इफ द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नया वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एंड हैव अ लवली डे।